अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं हूँ ज़रा घर से बाहर और मैं जा रही हूँ, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में भी देख लिया होगा कि डॉक्टर की बर्थडे की थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, उसकी बर्थडे टुमारो। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे कुछ डेकोरेशन के लिए बाइक करने, जो कि 10 मिनट्स वॉक पे ही है। और वॉक तो अच्छी बात है, वॉक इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सो जी, मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्टोर में और आई डोंट नो कहाँ पे है बर्थडे डेकोर की चीज़ें, वही मैं फाइंड कर रही हूँ और ये यहाँ मुझे मिल गई हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप बहुत अच्छा सा डेकोर कर सकते हैं बर्थडेज पे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि राबिया का कल स्कूल भी है और हस्बैंड की जॉब भी है, और वीक डेज में आपको पता है कि मैनेज करना मुश्किल ही होता है। तो सिर्फ हम घर पे ही थोड़ी सी सेलिब्रेशंस करेंगे, तो बस 2-3 चीज़ मुझे यहाँ से पिक करनी है। बट यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, टेबल मैट हैं और बर्थडे बैनर है, बलून्स हैं, बहुत कुछ है डेकोरेशन के लिए। बस जी, मैंने ले ली हैं 2-3 चीज़ें, लेकिन अभी थोड़ी सी हैप्पी हो जाए और मेरा काम हो गया यहाँ पे फिनिश। अब हम आगे चलते हैं। सॉल्ट बाय करना भूल गए, तो यहाँ एक एशियन स्टोर है, यहाँ से मुझे सॉल्ट मिल जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे एशियन स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे सारी देसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि पाकिस्तान से भी इंपोर्ट की जाती हैं, स्पेशली राइस और ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। और यहाँ पे सारे स्पाइसेस, सारे जो रेडीमेड स्पाइसेस होते हैं शान के और सारे ब्रांड्स के यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, हमें बड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो जो चीज़ें हमें वहाँ स्टोर से नहीं मिलती, हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। वैसे तो देखा जाए तो लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में रह रहे हैं आपको ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे पाकिस्तान की हर चीज़ अवेलेबल होती है तो बड़े इजीली हमें मिल जाती है। सो मेरा हो गया यहाँ काम, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। पाउंडलैंड एक स्टोर है जहाँ पर हर चीज़ 1 पाउंड की होती है। सो मुझे अभी याद आया था कि एकदम से कि मैंने ना अभी गिफ्ट्स ऑर्डर किए हैं और गिफ्ट्स को पैक करना है, थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो बहुत खुश हो जाएगी क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है गिफ्ट्स पैक हों, और कहती है मामा मुझे गिफ्ट्स चाहिए, मुझे ब्लू गिफ्ट चाहिए, मींस कि मुझे पैक करके ब्लू में दो या पिंक में दो। तो मैं यहीं पर ढूँढ रही थी गिफ्ट पेपर, और मुझे एक फ़ाइल भी लेनी थी कुछ फोल्डर टाइप की, क्योंकि नाबिया की नर्सरी स्टार्ट हो गई है और वो कुछ वहाँ पे ड्राइंग और पेंटिंग ऐसी चीज़ें करती है, तो वो घर भी लेकर आती है। तो मैं चाह रही हूँ कि हर चीज़ जो है एक साथ मैं ऑर्गेनाइज़ करके उसकी रख दूँ एक जगह पे। तो जो है गिफ्ट पेपर मैंने यहाँ से पिक कर लिया है और अब मैं देख रही हूँ फाइल्स, आई थिंक मुझे वो यहाँ स्टेशनरी के सेक्शन में मिलेंगी। यहाँ पे हैं काफ़ी फाइल्स, और कुछ फाइल्स तो मुझे बड़ी वो लग रही थी जैसे बड़े बच्चों के लिए हैं और बच्चों की चीज़ें रखना अजीब सा लग रहा था, तो आई थिंक फोल्डर टाइप की कुछ मिल जाए मुझे। यू कैन सी यहाँ पे 1 पाउंड 2 पाउंड, बस हार्डली 2 पाउंड तक ही होती है, वैसे 90% चीज़ें यहाँ पे 1 पाउंड की मिलती हैं, इसलिए पाउंडलैंड इस स्टोर का नाम है। जी, तो मेरे काम हो गया है यहाँ पे और मैं यहाँ पे टेल पे आ गई हूँ, बस यहाँ पे करूँगी। जी, तो मेरी हो गई कंप्लीट शॉपिंग, आई एम गोइंग बैक टू होम, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बाय किया। जी, तो मैं आ गई हूँ अब घर पे
और यहाँ मैंने ये फोल्डर बाय किए और आई थिंक 1 pound का 2 pound का तरह से 3 folders हैं डिफरेंट कलर के, और जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें चीज़ें आ जाएंगी उसकी। और ये मैंने गिफ्ट पेपर पिंक कलर का, पिंक फॉर गर्ल्स तो ये पिंक लिया। और ये बलून्स और टेबल कवर, ये टेबल कवर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और यू नो टेबल पे आप ये कवर डाल दो और थोड़ा सा पार्टी लुक आता है, अच्छा लगता है, जैसे कोई पार्टी है तो जी मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। और ये भी मैंने अनाबिया के लिए लिया था, ये भी पैक कर दूँगी इसको जी। तो अब यहाँ पे हो गई 5:30 और हस्बैंड के साथ मैं यहाँ पे कार में आई हूँ, क्योंकि वॉकिंग पे तो नहीं है ये। तो अनाबिया के यहाँ पे मुझे आर्गो से गिफ्ट कलेक्ट करने थे जो कि मैंने ऑर्डर कर दिए थे, सिर्फ यहाँ पे कलेक्शन थी। और ना कैसे हाइड भी करना था क्योंकि वो देख लेती है, तो फिर वो उसको होता है कि जल्दी से बस मुझे ओपन करके दे दो। सो कलेक्शन हमारी हो गई है और यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स भी लगी हुई हैं उस पर, अब यहीं पे आप सेलेक्ट करें, गिफ्ट देखें अपनी पसंद से और यहीं पे कर दें आप। तो मैं अनाबिया काफ़ी दिन से कह रही थी मुझे डॉग चाहिए, टेडी बियर चाहिए, यहाँ पे काफ़ी क्लियरेंस पे ही थे बट मैंने बाय नहीं किए, सिर्फ चेक किए। यहाँ मुझे नज़र आ गई कुछ एसेसरीज जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है नाबिया के लिए, तो वो भी मैं चेक करी थी क्योंकि गिफ्ट तो सॉरी ड्रेस तो उनका ले लिया हमने जी। तो हम घर आ चुके हैं और पिज़्ज़ा हमने बाय कर लिया था क्योंकि आज सारा डे हमारा बाहर ही गुजरा, बस पिज़्ज़ा इंजॉय किया। और हस्बैंड जो है जूस निकाल रहे हैं, हस्बैंड्स वैसे काम करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। सो जी मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और प्लीज़ मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।